नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। इस स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 7 से 8% की तेजी थी। कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी एकदम बेस्ट है। इस कंपनी के ऊपर हमने कई बार वीडियो बनाया दोस्तों, हर बार आपसे इस स्टॉक को जो है कि बाइंग करने के लिए बोला है। बीच में दोस्तों देखा जाए तो ये स्टॉक 90-92 रुपये के आसपास भी चल रहा था, तब भी हमने जो है कि वीडियो बनाया और आपसे जो है कि बताया दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि हर बार जब भी स्टॉक में किसी भी स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं दोस्तों, डर से जो है कि सेल करके चले जाते हैं। वैसे दोस्तों कोई जो है कि इस स्टॉक को सेल ना करे, इसके लिए जो है कि हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहता है कि यह स्टॉक जल्द ही देखा जाए तो 120 रुपये के आसपास जा सकता है। दोस्तों क्यों आज इसकी स्टॉक में तेजी है उसको भी कवर करेंगे। आज की बात करेंगे तो आज के दिन पूरा मार्केट ही तेजी कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें दोस्तों तो आज के दिन ये कंपनी लगभग 7.5% के आसपास तेजी में। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी शुरू से ही तेजी में थी, उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इस स्टॉक में गिरावट नहीं हुई है। आज की बात करें दोस्तों तो आज तो ये कंपनी एक नया हाई तो नहीं लगाई, लेकिन हाँ ऐसे में आप देख सकते हैं 109 रुपये कंपनी का आज का हाई है। अगर 52 वीक हाई की भी बात करेंगे तो 109 रुपये ही है, मतलब आपसे बता देते वही 25-50 पैसे के आसपास जो है कि कुछ ऊपर नीचे है। कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो ये कंपनी 5 दिन में देखेंगे तो 5 दिन में 7 से 7.5%, मतलब दोस्तों वही आज ही की सारी तेजी है। इसके पहले ये कंपनी 100 रुपये के आसपास चल रही थी। एक महीने की बात करें दोस्तों तो एक महीने में 4% के आसपास दोस्तों ये कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 92 रुपये पे आई थी बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में डरे नहीं, जिसके कारण देखा जाए तो हमने वीडियो भी बनाया था और आपको जो है कि बताया भी था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अगर 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में स्टॉक ने जो है कि 75% का रिटर्न बना के दे दिया है। और अभी भी देख सकते हैं दोस्तों इस स्टॉक में, मतलब क्या इसका चार्ट भी देखेंगे तो अप ट्रेंड में है। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में 55 से 60% के आसपास रिटर्न है। अगर एक साल की बात करें दोस्तों तो एक साल में ये स्टॉक वही 55-60%, मतलब दोस्तों आपसे बताएं ये स्टॉक पहले नहीं चल रहा था। फिलहाल देखा दोस्तों तो इस स्टॉक में अभी फिलहाल बहुत अच्छी खासी तेजी है। 5 साल की बात करें दोस्तों 5 साल में 41%, मतलब दोस्तों आपसे बताएं ये स्टॉक जो है कि 2021 में मार्च 2021 में 75-70 रुपये के आसपास आता है, लिस्ट होता है, उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट भी होती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं फिर तेजी आती है दोस्तों, फिर इसी स्टॉक में गिरावट होती अगेन जो है कि तेजी आती है। लेकिन दोस्तों कुछ समय से देखा है तो उसी अप्स एंड डाउन में था, चल नहीं रहा था स्टॉक। लेकिन फिलहाल की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक में कमाल की कंपनी न्यूज़ की बात करें दोस्तों तो न्यूज़ एज एस कंपनी के रिलेटेड देखा जाए तो कुछ भी न्यूज़ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर मार्केट से रिलेटेड देखेंगे दोस्तों सारी न्यूज़ जो है कि मार्केट से रिलेटेड ही आपको देखने को मिलेंगे। 7.5% तेजी है कंपनी में। कंपनी की बात करें तो आज के दिन हमको कुछ न्यूज़ तो ऐसा दिखाई दिया नहीं जैसा कि हमने देख भी लिया। ऐसे में दोस्तों स्टॉक में क्यों तेजी थी जिसको हम आगे कवर करेंगे मेरे पॉइंट से रहेगा, बाकी आपको अपना डिसीजन लेना है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं नवंबर में ही कंपनी ने 109 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद आज की बात करें तो आज भी कंपनी ने 109 के लेवल को टच किया, उसके बाद थोड़ी सी कंपनी देखा जाए तो डाउन हो गई। 55 रुपये कंपनी का लो है 20 जून 2022 को। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में वैल्यूम देखेंगे दोस्तों तो इस समय पहले देखा जाए तो बीच में इस स्टॉक में वैल्यूम कुछ खास नहीं बन रहा था। फिलहाल अभी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 2 करोड़ शेयर ट्रेड हो रहे हैं इस स्टॉक में। कुछ इन्वेस्टर दोस्तों क्या करते हैं कि कंपनी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसे में दोस्तों हम बताना चाहते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर के साथ इस कंपनी का देखा जाए तो रोज़, मतलब क्या है कि हमेशा जो है कि मीटिंग रहता ही है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 तारीख 29 तारीख 29 तारीख 28 तारीख, मतलब दोस्तों बीच में जो है कि हफ्ते में जो है कि मतलब कई बार इस स्टॉक में जो है कि इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो जाती है। कंपनी की बात करें तो 10 नवंबर को उनके रिजल्ट्स आ ही गए। कंपनी ये जो है कि डिविडेंड पे नहीं करती। ऐसे में अगर शेयर अर्निंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते 61% मतलब 60% के आसपास प्रमोटर के पास शेयर है, जिसमें प्लेज की बात करें तो 0। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें दोस्तों बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो ना ही एक्सपेंसिव है ना ही लो है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी मीडियम रेंज में चल रहा है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते बहुत नियर, मतलब कि कंपनी आज के दिन 52 वीक हाई के करीब है। इस कंपनी की बात करें तो एनएससी प्लस बीएससी वैल्यूम की बात करें तो लगभग 24 मिलियन के। अगर वैल्यूम की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं इतना कुछ पहले खास इस स्टॉक में वैल्यूम नहीं बन रहे थे, जो भी वैल्यूम बना दोस्तों रिसेंट में आज ही के दिन कुछ अच्छा वैल्यूम बना है। यहाँ पे देखेंगे तो 12 लाख 19 लाख 25 लाख 38 लाख दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो 91 लाख 50 लाख, मतलब दोस्तों लाखों में ही वैल्यूम बनते थे। अभी फिलहाल की बात करें दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्टॉक में, मतलब देखा जाए तो लाखों में वैल्यूम बनते थे, करोड़ों की बात करें तो आज ही के दिन बने हैं। ऐसे में अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो इतना कुछ खास माल भी नहीं उठाया जाता, जैसा कि आप देख सकते हैं 36% 40% भी बहुत हो जाता है इस स्टॉक के लिए। लेकिन हाँ इसके पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि अगर आप 22 नवंबर से देखेंगे तो इस स्टॉक में लगभग 50% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता था। जो रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जब 91 रुपये के आसपास इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था, 100 के नीचे चल रहा था, तो इस स्टॉक में देखा जाए तो कई बार माल जो है कि 40% के ऊपर उठा। तो अगर हम
कंपनी के कंपटीटर की बात करेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे टाइटन आते हैं। टाइटन को हम नहीं कह सकते दोस्तों कि कंपनी बीट करेगी, लेकिन हाँ राजेश एक्सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी को जो है कि ये कंपनी बीट कर जाएगी। ऐसे दोस्तों बताना चाहते हैं, टाइटन के पास देखा जाए तो कई सारे मतलब क्या प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, उनका खुद का प्रोडक्ट, लेकिन हाँ कल्याण ज्वेलर्स की बात करें दोस्तों, तो इनके पास देखा जाए तो ज्वेलरी सेगमेंट से ही रेवेन्यू आते हैं। इस स्टॉक में देखा जाए दोस्तों तो पहले और भी तेजी आ सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे अगर इनके सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो TTM में अच्छे सुधरते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा। अगर CGR की बात करें दोस्तों, तो एक साल में कंपनी ने रिटर्न भी अच्छा खासा बना के दिया है। रिटर्न इक्विटी की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो है कि ग्रोइंग मोड में दिख रहा है। कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करें दोस्तों, रिजर्व भी कंपनी के पास 2200 करोड़ 2300 करोड़ का रिजर्व्स है। डेट की बात करें तो 4000 करोड़ का डेट भी है। जो रिटेलर्स दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं या कुछ भी मतलब क्या है शेयर को बाइंग नहीं करना चाहते, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर की अगर होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग क्या है 60% का आज भी है। FIs की बात करें दोस्तों, FIs ने बहुत सारा जो है कि माल एग्जिट नहीं किया, जैसा कि आप देखते हैं। हाँ सेल की बात करें दोस्तों, सेल तो 3-4 क्वार्टर से कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखा है तो बहुत ज़्यादा एग्जिट करके नहीं जा रहे हैं। DIs की बात करें दोस्तों, DIs जो है कि माल को एक्युमुलेट कर रहे हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने कुछ माल को सेल कर दी। स्टॉक में अपने को करना क्या है और इस स्टॉक में तेजी क्यों थी दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं इस स्टॉक में तेजी क्यों है। मैं अपने पॉइंट से बता रहा हूं दोस्तों, देखिए सबसे पहले जो इन्होंने अभी सेकेंड क्वार्टर का जो इनका Q2 का रिजल्ट था दोस्तों, इन्होंने जो प्रेजेंस किया ना, इसमें बहुत ज़्यादा देखा जाए तो फेस्टिवल नहीं थे, जिसके कारण देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कंपनी के सेल नहीं हुए। लेकिन दोस्तों ऐसे में बताना चाहते हैं कि बस वह एक महीने का ही वेट करना है। कितना दोस्तों, एक महीने का वेट करने के बाद उसके बाद दिसंबर के बाद दोस्तों जनवरी में कंपनी जो है कि अपना रिजल्ट पेश करेगी या फरवरी में पेश करेगी दोस्तों। तो आपको पता है कि जितना भी फेस्टिवल था दोस्तों, दिवाली से लेकर के धनतेरस से लेकर के मतलब तमाम ऐसे जो कि 2-3 फेस्टिवल आ गए दोस्तों, जिसमें देखा जाए तो कंपनी का दोस्तों जो है कि जनवरी या फरवरी में जब भी रिजल्ट पेश करेगी दोस्तों, तो कंपनी का रिजल्ट भी एक अच्छा आएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, DIs होते हैं दोस्तों, कभी भी क्या है 7%, 8%, 10% की तेजी आती है दोस्तों, तो क्या कोई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करता है तभी तेजी आती? नहीं दोस्तों, कभी भी कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जब किसी स्टॉक में पैसा लगाता है दोस्तों, तभी उस स्टॉक में तेजी आती है। जैसा कि हमने देख भी लिया कि इंस्टीट्यूशन के साथ हर बार जो है कि कंपनी का मीटिंग भी चालू रहता है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर अभी तक बाइंग नहीं किया, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक में दोस्तों गिरावट होती है तो ये स्टॉक वही 100-90 रुपये के आसपास जा सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों, तो अभी तक जो है कि स्टॉक ने 120 के टारगेट को अचीव नहीं किया, हो सकता है कि जल्दी अचीव कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।